Hello students, I am Rahul Sen, assistant professor at Department of Civil Engineering at Sagar Institute of Science and Technology, SISTec, Gandhi Nagar, Bhopal. Welcome to my lecture. Today we are going to discussing about the topic staircase. In this topic we are going to covering the basic information about staircase, their different components, kind of steps and a different type of staircases which are using in various construction. So let us start with the basic of staircase. So what is a stairs? A stair is a system of steps by which people and objects may pass from one level of building to another. A stair is to be designed to span large vertical distance by dividing it into a smaller vertical distance called steps. So students, अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में हम दो तरीके का मूवमेंट करते हैं. पहला होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरा होता है वर्टिकल मूवमेंट. इफ़ यू आर गोइंग टू इन हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, तो उसके लिए हम लॉबीज, गैलरीज प्रोवाइड करते हैं. अगर हमारा वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट मीन्स एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना, तो वर्टिकल फ्लोर जो वर्टिकल डिस्टेंस को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए जो हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं उसे हम स्टेयरकेस कहते हैं. स्टेयरकेसेस को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है वो उसमें हम उस वर्टिकल डिस्टेंस को छोटे छोटे वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और छोटी छोटी जो वर्टिकल डिस्टेंस होती हैं उन्हें हम फिर स्टेप्स के फॉर्म में बोलते हैं. नाउ लोकेशन ऑफ स्टेयर्स. अगर हम स्टेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें किसी बिल्डिंग में स्टेयरकेसेस कहाँ पर प्रोवाइड करने चाहिए, ये कुछ लोकेशन दिए हुए हैं. पहला लिखा है इट शुड बी सो लोकेटेड एज टू प्रोवाइड ईजी एसेस टू द ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग. इट शुड बी सो लोकेटेड दैट इट इज़ वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटीरियर. इट शुड बी सो लोकेटेड एज टू हैव अप्रोचेज कन्वीनियंट एंड स्पेशियस. इट इफ पब्लिक बिल्डिंग इट इज इट शुड बी लोकेटेड नियर मेन एंट्रेंस एंड इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग इट शुड बी प्लेस्ड सेंट्रली. नाउ देयर आर सम टेक्निकल टर्म्स. आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो, यहाँ पर एक ये स्ट्रेट स्टेयर केस है. स्ट्रेट के साथ एक छोटा सा फिगर और बना हुआ है जिसमें ये डॉग लेग स्टेयर केस है. इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं स्टेयर केस के. मैं ये सारे जितने भी ये टेक्निकल टर्म्स हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ. सो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दीज टेक्निकल टर्म्स. फर्स्ट इज ब्लस्चर. ब्लस्चर इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ वुड और मेटल सपोर्टिंग द हैंड रेल. हैंड रेल को सपोर्ट करने के लिए जो वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम ब्लस्चर बोलते हैं. आप फिगर में भी देख सकते हो हैंड रेल. द इंक्लाइंड रेल ओवर द स्ट्रिंग इज नोन एज हैंड रेल. न्यूअल पोस्ट दिस इज़ द वर्टिकल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्लाइट टू कनेक्ट द हैंड रेल. सॉफिट इट इज़ अ अंडर साइड ऑफ अ स्टेयर. वेस्ट द थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्लैब इन द केस ऑफ एन RCC स्टेयर इज़ नोन एज अ वेस्ट. जब आप RCC स्टेयर्स को प्रोवाइड करते हो या आपने कभी देखा हो अगर कंस्ट्रक्शन RCC स्टेयर्स का, तो उसमें सबसे पहले इंक्लाइंड स्लैब प्रोवाइड की जाती है. जो इंक्लाइंड स्लैब प्रोवाइड करते हैं उसे ही हम वेस्ट बोलते हैं. नोजिंग इट इज़ द प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द राइजर. इट इज़ राउंडेड टू गिव गुड आर्किटेक्चरल इफेक्ट. स्कोशिया इट इज़ द मोल्डेड प्रोवाइडेड अंडर द नोजिंग टू इम्प्रूव द एलिवेशन ऑफ द स्टेप. स्टेप इट इज़ अ पोर्शन ऑफ स्टेयर विच परमिट एसेंट एंड डिसेंट. इट इज़ कंप्राइजेज टू ऑफ एज अ ट्रेड एंड राइजर. ट्रेड इट इज़ द अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्टेप अपॉन विच द फीट इज प्लेस्ड वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग. Rise, it is the vertical distance between two successive tread faces. Going, it is the horizontal distance between two successive riser faces. तो यहाँ पर ट्रेड हम उसे बोलते हैं जब आप स्टेयरकेसेस पे असेंट या डिसेंट होने के लिए जहाँ पर आप पैर रखते हो उसे आप ट्रेड बोलते हो. राइज दो सक्सेसिव, अगर एक ट्रेड है तो बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड, दो सक्सेसिव ट्रेड के बीच की जो में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम ट्रेड बोलते राइज बोलते हैं. गोइंग इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव राइज फेसेस. राइज फेसेस के, दो सक्सेसिव राइज फेसेस के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम
गोइंग बोलते हैं। फ्लाइट, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म ब्रेक और लैंडिंग इज देयर इन देयर डायरेक्शन। लैंडिंग, इट इज़ द लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर। रन, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग द लैंडिंग। इट हेडरूम, हेडरूम इट इज़ द मिनिमम क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड एंड सीलिंग। पिच और स्लोप, इट इज़ द एंगल विच द लाइन ऑफ नोजिंग ऑफ द स्टेयर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। राइजर, इट इज़ अ वर्टिकल पोर्शन ऑफ ए स्टेप प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द ट्रेड। लाइन ऑफ नोजिंग, इट इज़ एन इमेजनरी लाइन टचिंग ऑफ ईच ट्रेड एंड इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयर। वाइंडर्स, दीज आर टैपरिंग स्टेप्स विच आर प्रोवाइडिंग फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए स्टेयर। स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंगर्स, दीज आर द स्लोपिंग वुडन मेम्बर्स विच सपोर्ट द स्टेप्स इन स्टेयर। They run along the slope of the stair. There are two type of string, a cut or open strings, a closed or housed string. In the cut or open strings, the upper edge is cut away to receive the end of steps. In closed or housed string, the ends of steps are housed between a straight parallel edge of the strings. Balustrade or baruster, the combined framework of handrail and baluster is known as the balustrade and baruster. Walking line, the approximate line of movement of people on a stair during ascending and descending is known as the walking line, and it is situated at a distance of about 450 mm from the center of handrail. So guys, these are the different technical terms of any stair. Now we are going to discussing about the type of steps. There are many various type of steps: bullnose steps, round needed step, round ended steps, filler, split step, commode step, dancing step, balancing steps, split steps, and winders. Bullnose steps. गाइज, आप ये फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इन सेकेंड फिगर यू मे सी दे आर बुलनोज स्टेप्स। इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द लाइट ऑफ द फ्लाइट प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द न्यूअल पोस्ट। इट्स एंड नियर द न्यूअल फॉर्म्स द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। राउंड एंडेड शेप, राउंड एंडेड शेप आप यहाँ पर फर्स्ट फिगर में राउंड एंडेड शेप देख सकते हैं, उसका 3D व्यू, और 2D व्यू में भी आपको सेकंड फिगर में राउंड एंडेड फ्लेट स्टेप्स दिख रहा होगा। राउंड एंडेड स्टेप इज अ सिमिलर टू अ बुलनोज स्टेप एक्सपेक्ट दैट इट हैज़ अ सेमी सर्कुलर एंड विच प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द स्ट्रिंगर्स। फिलर, अ फिलर इज एन ऑर्डिनरी स्टेप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड रेक्टेंगुलर शेप एंड प्लान शेप इन प्लान। कमोड स्टेप, a commode step has curved tread and risers. Dancing and balancing steps, dancing steps are winders which do not radiate from the common center. Splayed step, this step has one end or both end is splayed in plane. Winders are trapering steps such as those which radiate from a point usually situated at the center of the newel post. Now we are going to discussing about the different type of stairs. You may see here different type of stairs: circular stairs, geometrical stairs, turning stairs, and straight stairs. So let us start with the straight stairs. All steps lead in one direction. Simplest form of stair arrangement. It may consist of one or more flights. They are used when space available for staircase is long but narrow in width. तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट स्टेयर दी हुई है जिसमें सारे स्टेप्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है स्टेयर का। इसमें एक या एक से ज़्यादा फ्लाइट्स होती हैं, और ये जनरली उन जगहों पर प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर
स्पेस में विड्थ कम होती है, लेकिन स्पेस काफ़ी होता है लेकिन विड्थ कम होती है, वर्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है और विड्थ कम होती है, तब हम इस तरीके के स्टेयरकेसेस को प्रोवाइड करते हैं। द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द लैंडिंग शुड बी इक्वल। यहाँ पर ये स्टेयरकेस आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट स्टेयर्स हैं। यहाँ पर सारी डायमेंशंस भी दी हुई हैं। हेड रूम के डायमेंशन 6.8 फीट है। टर्निंग स्टेयर भी कई तरीके की होती है, क्वार्टर टर्न स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर्स एंड 3/4 टर्न स्टेयर्स। तो इन केस ऑफ टर्निंग स्टेयर फ्लाइट्स टेक टर्न। द टाइप्स ऑफ टर्निंग स्टेयर आर क्वार्टर टर्न स्टेयर। आ स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल इज नोन एज क्वार्टर टर्न स्टेयर। एल शेप में जब बनती है तो उसे हम क्वार्टर टर्न स्टेयर्स बोलते हैं। इफ़ द क्वार्टर टर्न स्टेयर्स इज ब्रांच्ड इनटू टू फ्लाइट्स एट अ लैंडिंग इज नोन एज अ बाइफरकेटेड स्टेयर्स। अगर कोई क्वार्टर टर्न स्टेयर दो अलग अलग फ्लाइट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बाइफरकेटेड बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स कॉमनली यूज इन द पब्लिक बिल्डिंग्स नियर द एंट्रेंस हॉल। द स्टेयर हैज़ इज वाइडर फ्लाइट एट बॉटम विच बाइफरकेट्स इनटू टू नैरो फ्लाइट्स एट द लैंडिंग। वन टर्न इनटू लेफ्ट एंड अनदर टर्न इनटू राइट। द स्टेयर्स हैज़ ईदर इक्वल और अनइक्वल फ्लाइट्स। हाफ टर्न स्टेयर्स अ स्टेयर्स टर्निंग थ्रू राइट एंगल इज नोन एज अ हाफ टर्न स्टेयर। अ हाफ टर्न स्टेयर मे बी ऑफ डॉग लेग टाइप और ओपन न्यूवल टाइप। डॉग लेग स्टेयर्स टू शॉर्ट फ्लाइट विथ अ हाफ स्पेस लैंडिंग बिटवीन दैम। इन केस ऑफ डॉग लेग स्टेयर द फ्लाइट रन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैम इन प्लेन। डॉग लेग में जनरली क्या होता है कि डॉग लेग में दो शॉर्ट फ्लाइट्स होती हैं हाफ स्पेस पे, जिसमें आप पहले एक डायरेक्शन में जाते हो, फिर जैसे ही फ्लाइट कंप्लीट होती है तो दूसरी फ्लाइट पर आप अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते हो। जो डॉग लेग्ड होती है, जब आप उसे ऊपर से उसके प्लान को देखते हो तो प्लान के जब आप स्टेयर में सबसे ऊपर पार्ट पे होते हो तो आपको पूरी स्टेयर्स ऊपर से एक साथ जुड़ी हुई दिखती है, उनमें कोई स्पेस नहीं दिखता है। इट्स नेम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इट्स अपियरेंस इन द सेक्शनल एलिवेशन। दिस स्टेयर आर यूजफुल वेयर टोटल विड्थ ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर द स्टेयर केस इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेप्स। ओपन न्यूल स्टेयर स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर फ्लाइट्स कॉजेज हाफ स्पेस लैंडिंग टू बी लॉन्गर। इन केस ऑफ ओपन न्यूल स्टेयर देयर इज अ वेल और होल इन ओपनिंग बिटवीन द फ्लाइट इन प्लेन इन प्लान। वेल मे बी रेक्टेंगुलर और इन एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड इट कैन बी यूज फॉर फिक्सिंग लिफ्ट। दीज स्टेयर्स आर यूजफुल वेयर अवेलेबल फॉर अवेलेबल स्टेप्स फॉर स्टेयर केस हैज़ अ विड्थ ग्रेटर देन ट्वाइस द विड्थ ऑफ स्टेप्स। थ्री क्वार्टर टर्न आई स्टेयर टर्निंग थ्रू थ्री राइट एंगल्स। दिस टाइप ऑफ स्टेयर आर थ्री क्वार्टर स्टेयर्स। इन दिस केस एन ओपन वेल इज फॉर्म्ड। दिस टाइप ऑफ स्टेयर इज यूज वेन द लेंथ ऑफ द स्टेयर्स केस इज लिमिटेड एंड वेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लोर इज क्वाइट लार्ज। सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल स्टेयर्स द स्टेप्स रेडिएट फ्रॉम द सेंटर एंड दे डू नॉट हैव ईदर एनी लैंडिंग और एनी इंटरमीडिएट लोवेस्ट पोस्ट न्यूअल पोस्ट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू बी नोटेड इन द कनेक्शन विद द सर्कुलर स्टेयर्स आर फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइंडर ओनली एंड मे बी कंटिन्यूड थ्रू एनी नंबर ऑफ टर्न्स। मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील और कॉन्क्रीट। यूजली इट्स स्ट्रक्चरल डिज़ाइन
एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर कॉम्प्ली कंस्ट्रक्शन ऑफ आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर. देयर इज अ फिगर ऑफ स्पायरल रेन स्पायरल और सर्कुलर स्टेयर केस. फॉर कॉन्क्रीट स्पायरल स्टेयर द स्टील रेनफोर्समेंट इज हैवी एंड फ्रेमवर्क इज कॉम्प्लिकेटेड. दीज मेक द कॉन्क्रीट स्पायरल स्टेयर एक्सपेंसिव. द कोर ऑफ स्पायरल स्टेयर मे बी सॉलिड और हॉलो एंड दे एंड द स्टेयर मे बी प्रोवाइडेड विथ कट और क्लोज स्ट्रिंग्स. द स्पायरल स्टेयर्स आर यूजफुल वेयर द स्पेस अवेलेबल इज लिमिटेड एंड वेयर द ट्रैफिक इज लेस. फॉर एग्जाम्पल शॉप्स. ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स. कंटिन्यूस स्टेयर्स दैट टर्न्स और विंड अबाउट अ सेंट्रल वॉल होल विच हैज राउंडेड कॉर्नर और सर्कुलर और इलिप्टिकल एंड दैट हैव द स्ट्रिंग एंड रेल अरेंज अपॉन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल एंड रनिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. दे हैव एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड रिक्वायर्स नो न्यूअल पोस्ट. द हैंड रेल कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट एनी एंगुलर टर्न्स. इट कंस्ट्रक्शन require considerable skill and it is weaker than corresponding open newel stairs. Stairs of different materials. अभी हमने पिछले स्टेप्स में ये देखा कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम बताते हैं या अलग अलग शेप के बेसिस पर हम स्टेयर केसेस को डिवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम जो स्टेयर केस में डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हैं उनके बेसिस पर है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरसीसी स्टेयर्स होते हैं, स्टोन स्टेयर्स होते हैं, टिम्बर मेटल एंड ब्रिक स्टेयर्स होते हैं. तो ब्रिक स्टेयर्स नॉट फ्रिक्वेंटली यूज. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. इट इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड. मे बी बिल्ट ऑफ सॉलिड मेसोनरी कंस्ट्रक्शन और आर्चेस मे बी प्रोवाइडेड इन अ लोअर पोर्शन. व्हेन आर्चेस आर प्रोवाइडेड एंड टोटली मशीनरी वर्क इज रिड्यूस्ड एंड cupboards may be provided in the hollow space. Treads are generally made equal to length of 1.5 bricks and risers which are layer of 2 bricks respectively. The tread and risers are finished with suitable flooring material. Here is a typical diagram of brick stair. This figure you may see the bottom of the stair 6 mm dia bar of 150 mm center to center reinforced bar has using. This is the arch stair brick arch form stair जिसके नीचे आपको यहाँ पर कबर्ड भी दिख रहा होगा बनाया गया है. जनरली जो हम स्टेयर के ब्रिक के बनाते हैं उसमें हम डायरेक्ट ब्रिक के ऊपर स्टेयर्स नहीं होते. हमारे ब्रिक उसके इंटरनल पार्ट होते हैं और उस ब्रिक के ऊपर हम स्टोन या किसी स्टोन को रखकर उसे हम फाइनल टच देते हैं. बिल्ट कभी कभी हम ब्रिक के ऊपर कुछ बिल्टअप स्टेप्स बनाते हैं या बिल्टअप स्टोन्स आते हैं उनको हम उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं. Metal stair. The external fire escape stairs are generally made up of metal. The common metal used are cast iron, bronze or mild steel. Used only as emergency stair, not common and in residential and public building. Mostly used in factories, go downs, workshop, etc. The important feature of metal stair, stringers are usually of channel section. Tread and risers of step may be of one unit as shown in figure. The tread and riser of a step may be of a separate unit of separate units. Spiral steel stairs. These are the different type of steel stairs. The tread and risers are the supported on the angles which are connected to the stringers. The risers may be totally omitted in some cases. The spiral stairs of cast iron consist of cast iron newel fixed in the center around which the cast iron step are fixed. For metal stair, the metal blusher with handrail of pipe are used. These are the different type of stairs, metal stairs, which are using in different buildings.
दीज स्टेयरकेसेस आर जनरली यूज इन फॉर इन एज अ ऑर्नामेंटल फॉर्म. नाउ वी आर कमिंग इन आरसीसी स्टेयर्स कॉमनली यूज इन ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. इन केस ऑफ फेम्ड स्ट्रक्चर आरसीसी स्टेयर्स इज परहैप्स ओनली चॉइस. आर वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस कैन बी इजली मोल्डेड टू द डिजायर्ड शेप. स्टेप्स कैन बी प्रोवाइडेड विथ सुटेबल फिनिशिंग मटेरियल सच एज मार्बल टाइल्स एक्सेट्रा. कैन बी इजली मेंटेन्ड क्लीन एंड दे आर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड प्लीजिंग इन अपियरेंस. कैन ऑल्सो बी इजली रेंटेड नो स्लिपरी एंड कैन बी डिजाइंड फॉर ग्रेटर विथ एंड लॉन्गर स्पेसेस. हेयर यू मे सी द टिपिकल फायर डायग्राम ऑफ एनी स्टेयरकेस. इन दिस स्टेयरकेस यू मे सी द बेस based of the base of the stair is arranged with the 6 mm dia bar and the upper portion has arranged with a 12 mm dia bar of mild steel. Precast RCC stairs, the detail and placing of reinforced will naturally depend on the design of RCC stair. The step may be cast in situ or precast. In the latter case, it is also possible to precast a flight and then place it in position with the help of suitable equipments. Above mentioned materials, marble, tiles, etc. can be used in combination with each other so as to form what are known as composite stairs. The various components of stairs are made of different materials and in addition, the lightweight materials such as aluminium, plastic, etc. may be employed to construct composite stairs. The stairs of public entertainment places such as theater requires special treatment of finish. Wooden or timber stairs. Cheap, light in weight, easy to construct and maintenance. That's why mostly used in residential building. Problem occur during fire because occupant of upper floor cannot escape, but its stair is unconstructed from good quality timber like oak, teak, mahogany, etc. Using minimum thickness of 5 cm to serve the requirement of a fire resistant stair to a great extent. The important factor to be considered in case of wooden stair are as follows. The joints connecting risers and tread are nailed to or screwed. Stringers may be cut or open strings or closed strings. Scotia blocks give an additional finish to a wooden step if provided. A metal strip may be provided on the nosing of a wooden step to increase its resistance against wear and tear. A small triangular wooden block known as glue blocks may be provided at the inner angle formed between a tread and riser, given additional touch placed at about 80 mm distance. In some cases, the risers may be totally omitted, the tread is housed in the strings and the soffit is covered with wooden battens and or metal sheets. Timber used free from fungal decay, insect attack and other defects. Edge should be finished or smooth. Pieces of timber having abnormal light weight should not be used. There are the timber stairs. Contemporary timber stair designs. Stone stairs should be hard and non-absorbent. Poses enough resistance to the action of fire. Mostly used for warehouses, workshop and other public buildings. Widely used where ashlar stones are easily available. Restricted in residential building to outside stair being heavy in weight. Stone stairs require able support to avoid the danger of damage due to the settlement of the supporting of walls. Construction. Stone steps may be constructed in any one of the following ways. Rectangular step with riveted joint. Cut from solid stone into a square or rectangular block in uniform size. Arrange in a manner that the front edge of a step
वन स्टेप इज रेस्टिंग ऑन द अपर बैक एज ऑफ द स्टेप बिलो. द ओवरलैप इज अबाउट 25 to 40 mm. Results in considerable saving the labor of cutting and dressing of a stone. Spandrel steps. Steps for triangular shape of in cross section. Cut in such a way to obtain a plane soffit. Use where the headroom is desired. Soffit afford a nice appearance and the weight of the step is also reduced. The end built into the wall should be square so as to provide horizontal seating. Soffit can also be broken or molded. Thread and riser. The thread and risers are provided in as in case of timber steps. The stone slabs, thread and risers are connected by dowel. Cantilever thread slab steps. Steps are formed of threads only. Thick slabs are used without any riser. A step may be rectangular or triangular in shape. Built-up steps. In the form of thread and riser of thin shone stone slabs placed over brick or concrete steps. Thickness of the slab may vary from 20 mm to 50 mm. It is generally adopted for marble steps to give an ornamental covering of the steps. Support and fixing. A stone step may be supported and fixed in any one of the following four ways. First, a step may be supported or fixed at both ends in a wall. The bearing in wall should be at least 100 mm for stair up to 1.2 meter width and 200 mm for width is greater than 1.2 meter. A step may be supported at one end only and the other end may be left supported, such as a cantilever step shouldn't have length of more than 1.2 meter. A step may be supported at one end in a wall and at the other end it may be supported by a steel work. A step may be supported at both end on steel work. There is a construction of the stone stairs. There are another stairs are glass stairs, cantilever stairs and straight stairs, geometrical stairs, circular stairs. Staircase can be used in different ways. Thank you. So these are the different type of stairs which we have discussed in this lecture. I hope this lecture is useful for you. Thank you and have a nice day.